अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और ये जो मैंने खूबसूरत सा ड्रेस पहना है इसके साथ दुपट्टा भी, इस तरह ये फ्लावर्स वाला है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको नंबर पर दे दूँगी, अपनी लोकेशन शेयर कर दूँगी, आप हमारे शॉप पर भी विजिट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका दुपट्टा भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, और हम ये पीछे राइट बंद करेंगे क्योंकि ये कर थोड़ा सा काम, यस, क्योंकि लाइट तंग कर रही थी और अब ऊपर भी कोई लाइट ब्लिंग हो रही है। और देखते हैं यहाँ पे किसने हमें कर लिए हैं ज्वाइन, नाइस, ओके जी, थैंक यू। और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है हमारे साथ। जी आप राबिया कभी उकाड़े हैं? आए जी हमरा, इंशाल्लाह जब आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे और आपकी तरफ भी ज़रूर आएंगे। सबकी तरफ थोड़ा जाना मुश्किल हो जाता है, अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, और कहीं जाने का क्या सोचें। दिल तो बड़ा करता है कि घूमना फिरना चाहिए, लेकिन इतना जो टाइम नहीं मिलता। सो ब्यूटीफुल लुकिंग, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? कल सॉरी मैं लाइव नहीं आई, और इतने मैसेज तो आ रहे थे कि अभी आप लाइव क्यों नहीं आई, तो बस कल थोड़ा सा मैं बिजी थी और आज मुझे टाइम मिला और मैं खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा कि खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप कर लेती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मेरे पेज को फॉलो कर लें, शेयर कर लें और इसे लाइक करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे से वीडियोस देखने को मिल सके। और बस मैं कुछ कहने लगी थी, अब छोड़ो क्या कहना। और जो लोग पूछ रहे हैं, ब्लैक फ्रॉक एक मैंने पहनी थी जिसके जो स्लीव्स पे वर्क हुआ हुआ था वो मैंने पहनी थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें और कलर मिल जाएगा, अभी फिर वक्त तो उसमें हमारे पास ब्लैक ही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें कोई और कलर भी मैं बनाऊँ, और मैं सोच रही हूँ कि किस कलर में बनाऊँ, कोई लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए, ये भी आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी एक जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ग्रीन कलर में कर रहे हैं, एक हमारे पास लाइट ग्रीन में हो रहा है, एक हमारे पास मर्जेंडा कलर में हो रहा है, और एक हमारे पास पर्पल कलर में हो रहा है। ये सारे कलर्स में हमारे पास जो मैक्सेस हैं वो रेडी हो रही है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक आपको वो भी देखने के लिए मिलेंगे। और रेड कलर में भी हो रहा है और फ्रोजी कलर में भी हो रहा है, इतने खूबसूरत से कलर हैं, मुझे कलर्स इतने अच्छे लगते हैं और इतने खूबसूरत से जब आप कलर पहनते हैं तो आपका अपना भी दिल खुश होता है। और मैंने अभी एक इंस्टा पे भी पोस्ट किया था कि कोई इंसान आप लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी लोग आपको बुरा बोलेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो भी लोग आपको बुरा बोलेंगे, तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आप सोचते हैं कैसे होना चाहिए, और एक जो है ना अच्छी सोच से अच्छा काम करना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल जो है ना वो बेहयाई लाने लग जाए, मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ। हमें जो लगता है कि हमें इस हद तक परमिशन मिलती है और इस हद तक हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, मैंने इतना ट्रैवल भी किया, इतनी चीजें भी की हैं, मैंने कभी, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो आपसे खुश हो गया। आपने चाहे किसी के लिए जितनी भी एफर्ट कर लिया, आपने जितना कुछ भी क्यों नहीं कर लिया, लेकिन आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई आप बहुत अच्छे हो और आपने हमारे लिए इतनी एफर्ट की, कोई बंदा आपको ये नहीं बोलेगा। तो इसलिए आप अपना खुद भी ख्याल किया करें, दूसरों का ख्याल करने के साथ साथ अपना ख्याल करना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी, और आपको पता है आपसे इस चीज़ का भी हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपनी जान की कितनी परवाह की। जी हाँ, कल को ये हमारे हाथ ये पैर ये सब बोलेंगे कि जी मेरा आपने क्या क्या किया, मुझे तो आपने तबाह कर दिया बर्तन मांझ कर, बर्तन मांझ मांझ कर।
यहाँ पे हमारे पास चिकन कढ़ाई बन रही है। जब मैंने स्टार्ट की थी बनानी तो आप लोगों को तो पता ही, आप लोग मेरे साथ ही थे जब ये हमारी कढ़ाई बन रही थी, तो आप लोगों को पता है कि मैं कैसे बना रही थी। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी फाइनल शक्ल कैसी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप देखना चाहें तो आप जो है ना वो विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम करते हैं कैमरे को फ्लिप कर देते हैं, कैमरा हमारा हो गया फ्लिप। और अब हम स्टैंड को ले चलते हैं खाने की तरफ। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई तैयार हो गई, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे YouTube पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी मेरा पेज है, टिकटॉक पे भी मेरा पेज है, स्नैप पे भी है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्नैप पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता उसे यूज़ करने का। तो अब हम जो है ना ये ऐसे लगा देते हैं ताकि आप लोग जो है ना प्रॉपर खाना देख सको। ये लें जी, ये क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये मुझे लग रहा है ये स्टैंड है। जूम करते हैं और ताकि आप लोग देखते जाएं। अल्लाह ये स्टैंड कैसे हटेगा। ओह मैन, वैसे ही और यहाँ पे देखते हैं कि किस किस ने हमें क्या है ज्वाइंट और कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं बस जल्दी एक और चैन लूंगी जो मैं बिल्कुल चूल्हे के पास रख सकूँ ताकि आप लोग भी खाना देख सके। चले जी, हमारी चिकन जो है ना वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक पोटी को हम इस तरह तोड़ लेंगे। और मेरी माशाल्लाह से टीम भी आ गई, देखें कितने अच्छे से हमारी जो पोटी है वो टूट चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया और इसी फाइनल लुक का हम एक टिकटॉक भी बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैं आप लोग से गपशप कर लूँ और टिकटॉक को हम भूल ही जाएं, ये तो हो नहीं सकता। और धनिया को हम थोड़ा सा के हाथ से मिक्स कर लेंगे। मेरा गुगू खान जो है ना वो भी गेम पे गया हुआ था, मीठा इतना प्यारा है, मीठा सा बच्चा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? ठीक। कैसे है? किसे सलाम करना है, मामा को कि उन्हें? मामा को। मामा को दो है सबकी नानी। कैसे मेरे बेटे? मामा बहुत इतना आ रही है बेटे के, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। चीज ले। कौन सी चीज? आप एक कार्ड तो वापसी पे ले। हाँ मैंने कहा था लेंगे, लेकिन खाना खा। हाँ मैंने खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गुगु, कैसा है आज? आज मामा पास बिस्मिल्लाह। ये अभी 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 चीज खाना है। ओके जी, ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। आप ऐसी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, मैं आप लोगों को फिर से रेसिपी बताऊंगी। ओके खाना रेडी है। हमने क्या किया, मैं रेसिपी फिट कर देती हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसमें चिकन को डाला, चिकन का कलर चेंज होने तक उसे पकाया, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और साथ हरी मिर्चों का भी पेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने उसमें डाले टमाटर, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। और उसमें साथ साथ हमने डाल दिया नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। हमने सिर्फ इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। और इसके साथ साथ मैंने इसमें टमाटो पेस्ट भी डाली है 1.5 चम्मच। और फिर हमने उसकी बुनाई कर दी 1 कप पानी डाल के। और जब उसकी थोड़ी सी बुनाई हो चुकी, फिर मुझे लगा कि ये ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया। हम घर चुप कर 2 कप के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया। फिर हमने उसकी अच्छे से बुनाई कर दी और उसका ऑयल जब मसाले से लग हो गया तो हमारी चिकन रेडी हो चुकी। और फिर हमने इसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया कटा हुआ, आप साथ हरी मिर्चें भी कटी हुई डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो इसमें हल्की सी कसूरी मेथी आप डाल दें, और सॉरी कलवंजी तो हमने इसमें ऐड नहीं की, वैसे हम बाहर से खाएं तो उसमें नहीं होती, मैं डालूंगी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और ये जो है ना ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसमें शिफाया और कलवंजी हमें खाने में यूज़ करनी चाहिए।
तो देखें चल एक चुटकी के क्रीम मैंने इसमें हमसा छोड़ दो, ये शुगर है और ये मेरा जो स्पाइस है कि छोटा सा पैकेट मैंने इसमें लपेट के रखा ताकि गिर ना जाए, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बॉक्स ले लूं। हाँ जी चीनी नहीं है तो आइए और चलें जी, अब मैं आपको भी दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक और फिर आपसे लेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें गाँव में याद रखिएगा। चार्जर मैंने साथ में लगा लिए थे, चार्जर हम लेंगे हटा जी। बैठे कैमरा को कर लेंगे फिर कितनी खूबसूरत लग रही है ये सारी रेसिपी। मैंने आप लोग के सामने तैयार की है, मैंने जैसे जैसे बनाया मैं साथ साथ आपको बताती गई और आपके सामने मैंने चीजें डाली है। आपने देखा कि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज नहीं डाली जो आप लोगों ने ना देखी हो। इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसमें मसाला, इसकी ग्रेवी, मैंने इसमें चार टमाटर डाले थे और तीन मीडियम साइज के इसमें मैंने प्याज डाले थे। लेकिन जब आपने कढ़ाई बनानी हो तो उसमें टमाटर हमेशा ज्यादा जाएंगे। ओके मैं आपको देती हूँ, जब भी आपकी कढ़ाई या जिसमें आप चाहते हैं कि मसाला ज़्यादा करें उसमें आप टमाटर ज़्यादा डालें, क्योंकि अगर आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो खाना जो है वो मीठा हो जाएगा और मीठा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अब मेरा ख्याल है इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर कोई आपके बारे में ऐसा सोचे तो आपको कैसा लगेगा, और मुझे इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा, तो प्लीज़ ये अच्छा या बुरा ये लिख दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। ओके जी अल्लाह हाफिज़। ओके जी अब आप लोग भी दें। ओके मैं आपको देती हूँ, मैं फ़ोन हटा लेती हूँ एक सेकंड ताकि आपको स्टैंड के बगैर नजर। ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड। और ये देखें जी ज़बरदस्त चिकन हमारी, मैं आपको थोड़ी सी हिला के भी दिखा देती हूँ। चिकन लेग पीस मैं आपको दिखा देती हूँ पकड़ के, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है जी। बोलो नहीं खाने का टाइम हो गया, बोलो मामा कह रही जल्दी से बस आ जाओ अच्छे से बाल वॉश करके। ओके अब मुझे दें इजाज़त। ओके जी अल्लाह हाफिज़।